लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लड़का दिखने में राजकुमार है दत्ता भाऊ, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पैसे वाला है, यूं समझ लो कि भाग्य खुल गए इस घर के। ठीक है, मगर क्या है गंगू, लड़के की दूसरी शादी है इसलिए दिल खट्टा हो जाता है। देखो इसकी पहले बीवी कौन सी जिंदा है बाबा, उम्र भी तो 30 के आसपास ही है बस। यही तो मैं भी कहता हूँ, अब तुम ही समझा सकती हो दत्ता भाऊ को। तो चुप कर बाबा, पोरगा चांगला दिसतो, पैसा भी काफी है, अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे यही तो मैं भी कहता हूँ। लड़के की माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है, हरिओम होने ही वाला है, फिर उसके बाद तो माया ही राज करेगी। तो तुम जाके रिश्ता पक्का कर दो। लेकिन एक बात है, लड़के वाले जरा जल्दी में हैं, कल का दिन बड़ा शुभ है, कल के कल ही शादी हो सकती है, अगर आप कहें कि ठीक है तो। ओफो, कितनी बार कहे कि ठीक है ठीक है। अरे यही तो मैं भी कहता हूँ, उत्तम है अत्तम है दत्ता भाऊ, मुबारक हो। अरे धन्य हो, स्वयं कन्या भी आ गई, अच्छा शगुन है अपने विवाह के लिए। कल्याणम वस्तु, दूधो नहाओ और पूतो फलो। छोटू जाग जाएगा। नहीं जागूंगा गुरु, बहुत गहरी नींद में हूँ। नींद में बोल रहा है? हाँ नींद में बोल रहा हूँ गुरु, छत पे निकल पड़ो। चलू ना। क्या 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 करिए, छोड़ो हमारा, नहीं तो हम शोर मचाएंगे। क्या शोर मचाओगे? हमारी इज्जत खतरे में और हम शोर ना मचाए। तो मचाओ ना शोर, किसे बुलाओगे? छोटू को। तुम इतनी रात को ऊपर क्यों आई हो अकेली? तो क्या नाना जी को साथ लेकर आती? लल्लू। लल्लू, तुम आधी रात को ये बताने आई हो कि हम लल्लू हैं? और नहीं तो क्या हो। अरे लड़के 100 बार मिन्नतें करते हैं, 500 बार नाक रगड़ते हैं, तब जाकर लड़की मिलने का वक्त देती है, वो भी इस तरह रात के वक्त अकेले, कोई आती है क्या? तो फिर तुम क्यों आई हो? पागल हूँ ना, तुम्हारे पल्ले जो पड़ गई हूँ, कोई दूसरा होता तो क्या करता? इस मौके का फायदा उठाता। चांदनी रात हो, ठंड हो, और दोनों अकेले में बैठकर हाथ में हाथ लेकर कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं। करो मीठी मीठी बातें करो। परमेश्वरा, देखो हनुमान जी के भक्त, मैं तो अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर ही चुकी हूँ, अब अगर पकड़े गए ना तो बेभाव की पड़ने वाली है। दूर बैठने से कुछ कम नहीं पड़ेगी और पास बैठने से कुछ ज्यादा नहीं, समझे? अब असी असी की करें? अब असी अपना सर असी के गोद में रख के आराम करेंगे। नहीं, अब आपकी गोद में। देखो जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप करते जाओ, वरना मैं चिल्लाकर सबसे कह दूंगी कि तुम ही ने मुझे यहाँ बुलाया है और अब जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, अब चुपचाप यहाँ लेट जाओ। ये मेरी गोद नहीं घुटना है, अब मुंह इस तरफ घुमाओ। अरे क्या हुआ? आया, हम तुमको समझा रहे हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम्हें जुकाम हो जाएगा, चांदनी रात में ज्यादा देर जागने से ठंड भी लग सकती है। ठीक से बैठो ना। बोलो। मुझे पप्पी दो। क्या पप्पी? नहीं भाई।
देखो अगर तुमने मुझे पप्पी नहीं दी ना तो मैं सारी रात यही बैठी रहूंगी। पप्पी दो। यहाँ दोगे तो अच्छा ही होगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बाबा यहाँ दो। असी एक देंगे तो तुसी चली जाओगी ना? तुसी एक तो दो फिर असी सोचेंगे। चलो हटो फिर हम नहीं देते। अच्छा बाबा एक ही सही, दो ना पप्पी। कैसी शक्ल बना रखी है, प्यार कर रहे हो या जमाल घोटा पी रहे हो? जरा मुस्कुरा के। आहा, ये कोई मुस्कुराहट है क्या? जरा स्टाइल मारो स्टाइल। माया। अब होएंगे गुरु की प्रेम पूर्वक धुलाई। बाबा बाबा उठो उठो, देखो तो सही माया अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे नीचे जमीन पे देखो, लुढ़क गई होगी सोते में। बाबा तुम्हें मजाक सूझ रहा है या मेरी जान गले में अटकी हुई है? घबरा मत, निकलेगी नहीं। हा? अरे मेरा मतलब है निकल आएगी, बाथरूम में गई होगी तुम्हारी बेटी, ढूंढो जाके ढूंढो, ये ताजमहल थोड़ी सला। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। कैसे जाऊँ, माँ नीचे खड़ी है। तो फिर इधर से चली जाओ। तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ। कैसे उतरूं? कूद जाऊं क्या? कूद जाओ, कूद जाओ। हड्डी पसली टूट गई तो? हड्डियां तो वैसे भी नाना जी तोड़ने ही वाले हैं। बाबा बाबा वो पीछे भी नहीं है। भगवान जाने कहां गुम हो गई। अरे वो बटन सुई थोड़ी है जो गुम हो जाएगी, ठीक से ढूंढो, यही होगी कहीं। जा। ये क्या कर रही हो? इस तरह क्यों देख रही हो हमें? शर्म नहीं आती, हमारी इज्जत का सवाल है, क्या कर रही हो तुम? अरे हम मर जाएंगे। अपने को भी नहीं कहते निर्मोही, आने दो ना माँ को। आंधी या तूफान कुछ भी आ जाए, मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, बस तुम मेरा दामन थाम लो। अभी तो तुम हमारी लुंगी थामे बैठी हो। माया कहीं ऊपर तो नहीं चली गई? हाँ गई होगी, मिर्ची उर्ची सुखाने गई। मिर्ची के रात को चांदनी में सुखाई जाती है? तुम्हारा मतलब पटियाले वाला? हाँ? म्यूजिक डायरेक्टर? अरे वो जवान लड़का माया अपनी बच्ची, कहीं वो बदमाश उसको बहका तो नहीं ले गया? मैं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सलाम खोल के। दादा जा तू ऊपर जा, मैं तो बुढ़ापे में सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। हमारी लुंगी, ओए हमारी लुंगी दे दो। चिल्लाओ मत। हमारी लुंगी, उत्ते सुट्टो उत्ते, हमारी लुंगी दे दो। ओ उत्ते सुट्टो उत्ते, ओए ओए कितने ले जा रही है तू लुंगी मेरी? ओ उत्ते सुट्टो। देवा काय रे बघायला लावलं ते? ओए 25 साल हो गए सानू मुंबई जाया, क्या दिखते थे उस वक्त, पता नहीं कितनों ने लैन मारी होगी हम पर, मगर असी भी लंगोट के पक्के थे, आंख उठा के नहीं देखा किसी की तरफ, वरना आज ये गैरज होता, ये ट्रक होता और ये छह-छह टैक्सियां होती। लेकिन उस्ताद जी तुम इधर आया पेट के वास्ते और अपना गुरुजी यहाँ पे आया प्यार के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते। जब से बम्बई में आया ना तब से लैला मजनू का किस्सा चल रहा है, सुबह के टाइम में समोसे आ रहे, रात के टाइम में समोसे वाली खुद चल के आ रही है ऊपर में, ये उनके हाथ में कंगन पहना रहे, गाना चल रहा है छोटू के बच्चे। तू ही तो लाया था समोसे, तूने ही तो गाना लिखवाया था, इसकी तुन बना, अब तू ही बड़ा होशियार बन रहा, तू ही है सारे फसाद की जड़। ठहर बैठा छोड़ो, अपने काम की ओर ध्यान दो। मैं पूछता हूँ तुम काम क्या करते हो? संगीतकार है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करते हो? क्यों फिल्मों में संगीत देना काम नहीं है? देख बच्चे, पहले अपने पेट की दो रोटी का बंदोबस्त करो, उसके बाद संगीत का शौक करो, जाओ कहीं अच्छा सा काम धंधा ढूंढो। चलो गुरु जाओ शुरू, तुम वो बाजू ट्राई मारो, अपन ये बाजू ट्राई मारता है, देखता है किसकी किस्मत में नौकरी लिखा है।
50 पैसे में कल नहीं मिलेगा, समझो लॉटरी लग गई। अरे चाय पियो, इसका स्वाद बदल जाएगा। हीरो साहब कंगी, अरे हीरो बन जाएगा। लट्टमल लट्टमल लट्टमल। गुड मॉर्निंग गुरु। चक्कर खाने की जरूरत नहीं, ये अपनी इस दुकान है। फुटपाथ पे साला रखने से बहुत झंझट था, इसीलिए अपुन ने नया बंदोबस्त कर दिया। आओ इधर में आ जाओ। ए फटाफट जाओ और दो चाय लेके आओ, अपुन का गुरु आया है। ये लीजिए, अभी लाया। आ जाओ गुरु। आज से हमें गुरु मत बोलना, शर्म आती हमें ये सोचकर कि इतने दिन हमारे साथ रहने के बाद भी तुमने ये सीखा चोरी करना, बेईमानी करना। हो गया ना तुम्हारा भाषण चालू। देखो गुरु, कोई आदमी अपनी माँ के पेट से चोर बन के नहीं निकलता। ये साली बेरहम दुनिया, बेरहम हालात, यही चोर बना देती है मुझ जैसे शरीफ आदमी को। यही कायदा है दुनिया का, पहले बाल बड़ा करने का, फिर किसी भी मंदिर में जाके सफा चट कर देने का, पिछला सारा पाप खलास। ओए हाथ मल के ना, एक इस तरफ देंगे उस तरफ वकल टिकाने आ जाएगी। ठीक है गुरु, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। तुम्हारे अंदर काबिलियत है मगर सिर्फ धक्का खाने की। तू तो बिल्कुल घटिया आदमी निकला यार। अभी अपन का सरवन टारेल है, अभी थोड़ी देर के लिए तू तड़ांग बात नहीं करने का, इज्जत का कचरा हो जाता है। अभी तुम आप और पापा जी करके बात करो। क्या ये लीजिए। गुरु को दो आप। गुरु गुरु गणेशी जी साहब, चंदा कहाँ है? वो तो बहू के कमरे में है साहब। चंदा 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 चंदा, उठो बेटी, देखो पापा बुला रहे हैं। चलो बेटे अपने कमरे में चल के सो। मैं यही मम्मी के पास सोऊंगी। बेटे मम्मी को परेशानी होगी, चलो उठो अपने कमरे में चलो। मम्मी को परेशान नहीं होंगी पापा। क्यों मम्मी, आप भी इधर ही हमारे पास सो जाओ ना। बेकार की बकवास मत करो, फौरन उठो चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे। चंदा मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा आपको सुनाई नहीं दिया? बदतमीज, जबान चलाना सीख लिया? चलो उठो चलो अपने कमरे में। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चुप जा चलो मैं। चंदा चुप करो, चलो उठो। सुनिए मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो बच्चे पर निकालना जरूरी था। हाँ क्योंकि वो एक ऐसी चीज के लिए जिद कर रही थी जो मैं उसे नहीं दे सकता। अगर चंदा को माँ के प्यार की आदत पड़ गई तो मैं कल उसे कहां से लाकर दूंगा? जब आप यहां से चली जाएंगी फिर से तो शादी नहीं कर सकता। हमारे दिन ही खराब है छोटू, जो आज तुझसे भी बातें सुननी पड़ रही हमें। अपनी तो लाइफ खराब कर दी ना तुमने गुरु, और अपना रोना रोने को बैठ गए। अरे अगर इतनी सी भी जवाबदारी नहीं ले सकते थे तो पहले ही बोलने का था। अपुन उधर में क्या खाना खाने को गया और तुम इधर में ऐसा हारमोनियम बजाया कि सारा माल सफाचट हो गया और तुमको मालूम भी नहीं पड़ा। कमाल है। चोरी का सामान तो चोरी में जाएगा ना, और क्या होगा उसका? हा? तू बोलता है कि तेरा सारा सामान चोरी हो गया ना, हा? ये देख ये टोलक तेरा चोरी हुआ नहीं ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अपुन कितना भी हाथ पैर मारेगा तब तलक ऊपर नहीं आएगा जब तलक तुम अपुन के साथ है। इसका मतलब यह है छोटू कि तेरा और संगीत का एक गहरा नाता है, कभी ना टूटने वाला संबंध है, इसलिए तेरी टोलक चोरी नहीं हुई। हे भगवान, ईमानदारी के सौदे में कभी काटा नहीं होता छोटू। ये दुकान उकान भूल जाओ और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें संगीत की जगमगाती दुनिया में ले चलेंगे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? हमने कोई पाप नहीं किया छोटू, इसलिए आज नहीं तो कल संगीत की दुनिया में हम जरूर तहलका मचा देंगे। देखना प्रेम प्रताप पटियाड़े वाले का नाम बच्चे बच्चे की जबा पे होगा। मिस्टर प्रेम। नमस्ते पाजी, आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? मुझे सिर्फ आप ही का नाम नहीं छोटू का भी नाम मालूम है, मुझे आप लोगों की ही तलाश थी। आप उनने तुम्हारा भी कुछ चुराया क्या बाप? दरअसल बात यह है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूं, मुझे मालूम है आप
वही संगीतकार हैं जिन्होंने किसी की धुन चुराने से इनकार किया था। मेरा नाम आनंद है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी फिल्म का म्यूजिक दें। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं कार भिजवा के आपको बुला लेता हूँ। कोई ठिकाना होगा तभी तो पता बोलेगा ना, अभी तो फुटपाथ ही चपुन का ठिकाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे साथ। लिली, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना। अगर कोई जरूरी काम हो तो मुझे 545281 पे कॉन्टैक्ट कर लेना। यह हमारा पहला चांस है, हम प्रोड्यूसर साहब को ऐसी तुने सुनाएंगे कि वो हर पिक्चर में हमें म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। अरे तुम घबराओ मत गुरु, अपुन ने तुम्हारे साथ। तो कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनिएगा? कुछ भी, लव सॉन्ग। देखिए पाजी, ऐसे कैसे सुनाए हम कुछ भी, हमें मालूम होना चाहिए कि कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है। अच्छी बात है, कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और लड़की के घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। वाह साहब वाह, आपकी पिक्चर सुपर हिट, क्या धासु स्टोरी बनाई है, पर्दे फट जाएंगे, लाठियां चल जाएंगी। चुप कर लूटे पट्टे, इस कहानी में कौन सी कमाल की बात है, मामूली कहानी है, यही तो होता है दूसरी फिल्म में। ये पूरी कहानी नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। शादी की पहली रात को ही हीरोइन जहर खा लेती है। आपका मतलब हीरोइन पहली रील में मर जाती है? नहीं, पचा ली जाती है, क्योंकि उसका पति डॉक्टर है। जहर खाने की वजह पूछने पर हीरोइन सच सच बता देती है कि उसकी शादी जबरदस्ती की गई थी और वो किसी और से प्यार करती है। वाह जी वाह, क्या हिम्मत है लड़की की। उसका पति हीरोइन को वचन देता है कि जैसे भी हो सके वो उसके प्रेमी को ढूंढ कर वापस लाएगा और उन दोनों को फिर से मिला देगा। वाह कमाल है, वो पति इंसान नहीं देवता है। लेकिन इस डॉक्टर पति की भी एक समस्या है, उसकी मां बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रही है, इसलिए वो हीरोइन से ये दरख्वास्त करता है कि मेरी मरती मां की तसल्ली के लिए 6-7 दिन इस घर की बहू होने का नाटक कर ले। एक तरफ मां है जो सिर्फ 6-7 दिन की मेहमान है और दूसरी तरफ पत्नी जो अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन है, उन दोनों के बीच में वो पति, उस पर क्या गुजर रही होगी। तो फिर क्या होता है? अभी पूरी कहानी तय नहीं हुई है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मैं आपको सुनाता जाऊंगा। आपने तो हमें बेकरार करके छोड़ दिया, कब तक पूरी होगी आपकी आगे की कहानी? जल्दी ही हो जाएगी, तब तक आप एक प्रेम गीत तैयार कीजिए, शुरू में हीरो हीरोइन जब मिलते हैं। इतनी गंभीर कहानी, इतने दर्दनाक मोड़, और आप कहते हैं हम एक लव सॉन्ग तैयार करें, ठीक है।